किया मोटर्स ने सेल्टोस एसयूवी के डीजल मॉडल को रिकॉल किया है। सेल्टोस डीजल को रिकॉल करने की मेन वजह फॉल्टी फ्यूल पंप है। फॉल्टी फ्यूल पंप के रिकॉल की वजह से कंपनी ने अभी तक इस पर कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस डिफेक्ट को लेकर कंपनी ने यह बुलेटिन जारी किया है। यहाँ पर आप यह साफ देख सकते हैं कि इस बुलेटिन को सेल्टोस डीजल के फ्यूल पंप को इंस्पेक्ट करने के लिए जारी किया गया है। इस खराबी की वजह से कस्टमर्स लो पिकअप और वाइब्रेशंस का सामना कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में खराबी की वजह से कार स्टार्ट भी नहीं हो सकती है। जिन सेल्टोस डीजल मॉडल्स को 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 13 मार्च 2020 के बीच में बनाया गया है वो मॉडल इफेक्ट हुए हैं। इस डिफेक्ट को किया मोटर्स के डीलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करने वाले हैं। जिस डीजल इंजन को सेल्टोस यूज करती है बिल्कुल उसी इंजन को हुंडई क्रेटा भी यूज करती है, तो ऐसे में ये देखना भी काफी बेहतरीन होगा कि हुंडई क्रेटा के मॉडल्स भी इफेक्ट हुए हैं या नहीं। हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस दोनों में ही 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है। ये इंजन 130 BHP की पावर 250 Nm के टॉर्क पर प्रोड्यूस करता है। सेल्टोस इंडिया में एक काफी पॉपुलर एसयूवी है। सेल्टोस की तरह हुंडई क्रेटा भी इंडिया में पॉपुलैरिटी के मामले में काफी आगे है। किया मोटर्स इंडिया में सेल्टोस एसयूवी के 1.25 लाख से भी ज्यादा मॉडल को सेल कर चुकी है। इंडिया में किया सेल्टोस को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के सिर्फ 1 ईयर के अंदर यह एसयूवी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। हाल ही में किया सेल्टोस के ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट सामने आए हैं। ग्लोबल एनकैप के टेस्ट के दौरान किया सेल्टोस का रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग था। ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट में इस एसयूवी ने सिर्फ 3 स्टार स्कोर किए थे। आपको ये बता दें कि सेल्टोस और क्रेटा दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। सेल्टोस एसयूवी की कीमत इंडिया में 9.9 लाख रुपए से शुरू होती है और लगभग 17.6 लाख रुपए तक जाती है। क्रेटा की कीमत भी लगभग सेल्टोस के आसपास ही है। क्रेटा की कीमत इंडिया में 9.82 लाख रुपए से शुरू होती है और 17.31 लाख रुपए तक जाती है। फिलहाल सेल्स के मामले में क्रेटा और सेल्टोस दोनों ही काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। अब यह देखना होगा कि सेल्टोस के कितने मॉडल्स फॉल्टी फ्यूल पंप की वजह से इफेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें बताएं कि सेल्टोस एसयूवी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और दोस्तों ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.